खाने जा रहे हैं झींगा आलू की सब्जी। ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और हमारी रेसिपी को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम आलू ले लिए हैं। आलू हमारा बॉईल हुआ है, ये सेंधा है, ये नारियल है कच्चा, एक हरी धनिया का डंठल है, लहसुन है, ये अदरक है 3 इंच का टुकड़ा है, और ये टमाटर है, ये हरा धनिया है, ये प्याज है हम बारीक कट कर लिए हैं, ये धनिया है, ये ज़ीरा, ये 2 बड़ी इलायची है, ये गोल मिर्च है, ये राई है, ये हरी इलायची है, बादियान का फूल है, और ये सूखी लाल मिर्च है। आप अपने हिसाब से मसाला लीजिएगा। अब इसको हम आलू को बड़े पीस में कट कर रहे हैं। और सेंधा हमारा 1/2 किलो है। ये थोड़ा सेंधे को हम रख दिए थे, अब इसको हम छील कर दिखा रहे हैं। इसकी स्किन को हम ऐसे निकाल लेंगे, अब इसको हम कट कर देंगे। इसी तरीके से हम सारे सेंधे को छील लिए हैं। आप भी इसी तरीके से इसकी स्किन हटा सकते हैं। इजी तरीके से स्किन निकल जाती है। अब इसको हम मसाले को हल्का हम रोस्ट कर लेंगे खुशबू आने तक। इसमें राई आप ज़रूर डालिएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सेंधे में। मसाला हमारा भून चुका है, इसको हम ठंडा करके पीस लेंगे। अब इसी में हम लहसुन सारे मसाले को हम डाल देंगे, नारियल है, इसमें नारियल थोड़ा हम ज़्यादा ही पीस रहे हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और टमाटर सब हम एक साथ में पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही यम्मी बनती है, आप भी बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। और सेंधा तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब सेंधे को हम फ्राई कर लेंगे। बस इसको हम हल्का ही फ्राई करेंगे, इसका गोल्डन कलर आए बस हम इसको हम निकाल लेंगे। सारे सेंधे को हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अब हम आलू को फ्राई कर लेंगे। आलू को भी हम कलर आने तक फ्राई करेंगे, बस ये गोल्डन हो जाए हम इसको निकाल लेंगे। आलूओं को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। आलू हमारा फ्राई हो गया, अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए सेंधा आलू हमारा फ्राई हो गया है।
अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी, अब इसमें हम मसाले को डाल देंगे। इसमें हम नमक डाल रहे हैं, 1.5 चम्मच हम नमक डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। मसाले को हम सीलो फ्लेम पे ही भूनेंगे, नहीं तो मसाला हमारा जल जाएगा। अब इसमें हम ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए मसाला हमारा हो गया है। देखिए मसाले में कैसा दाना दिख रहा है, इसी तरीके का मसाला होना चाहिए। अब हम आलू डालकर भून लेंगे थोड़ा। अब इसमें हम पानी डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से ग्रेवी करिएगा। हम ग्रेवी कर रहे हैं, ना पतली ना ज़्यादा गाढ़ी। अब हम सेंगे को डाल रहे हैं, अभी ग्रेवी हमारी और भी गाढ़ी हो जाएगी पकने के बाद। अब इसमें हम ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। हमारी सब्जी रेडी हो गई है। अब इसमें हम हरा धनिया डाल रहे हैं। आप भी इसी तरीके से सब्जी बनाएंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई। अब हम इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अब इसमें हम थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।